सारी चीज हटा देगा पता है नहीं हटाएगा। Good morning and today the date is 2nd December 2018 and we are leaving for a new ride going to Mayur and which is approximately I think 160-170 kilometers. Ishtiak, Akash, a new rider Surkant, then DJ Chirag, Ankit, Kishore sir, they already have joined us for this beautiful ride. Another morning, this is chill morning. I think temperature is around 13 degrees Celsius. तो ride बड़ी मजेदार होने वाली है. Time is 7:30. हमने route लिया हुआ है करमेता की तरफ से. We are not going through आधारताल and पनागर क्योंकि route थोड़ा सा खराब है और ये वाला route आधा बन चुका है and आधा भी बनना बाकी है कटनी होते हुए मैयर क्योंकि route काफ़ी कुछ अच्छा है. बीच में शायद थोड़ा सा डाइवर्जन पड़ेगा बट स्टिल सो इट्स गुड. और यहाँ से हमें लेना है राइट. सो बेसिकली द कंडीशन इज गुड. रोड देख लीजिए बहुत शानदार है बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग क्योंकि यहाँ पर चिल है और थ्रिल है. रोड का काम काफ़ी कुछ हो चुका है. अभी देखिए उस तरफ काम चल रहा है. आई थिंक अगर इसी स्पीड से हम लोग चलते रहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल टच इन 3 आवर्स. The time is 11:30 and we have reached just now Mayur. जा रहे हैं मंदिर के लिए तो probably it will take another 10 to 15 minutes. अबे क्या हुआ? नहीं हमें नहीं पता. अरे गिर गए. कैसे? अरे मोड़ने वाले आ गए बीच में तो सामने से बाइक थी ना. अब एंटर कर रहे हैं हम लोग शारदा माई के मंदिर की तरफ. थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी. हमारा एक राइडर है जावेद भाई करके और हुआ क्या कि जावेद भाई के सामने एक बाइक वाला आ गया. उन्होंने ब्रेक लगाए और वो गिर गए तो इसमें जावेद भाई को चोट लग गई. तो ओके ही इज़ फाइन नाउ. अभी आराम से बैठे हुए हैं गाड़ी पे पीछे की तरफ. सामने जो दिख रहा है वही मंदिर है एक्चुअली में तो उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग. मैयर जो है मैं तकरीबन 9 साल के बाद आ रहा हूँ. 2009 में आया था लास्ट टाइम और अभी 2018 में आ रहा हूँ. ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल. दोस्तों कैसे हैं आप लोग और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे. आज हम लोग राइड करके जबलपुर से आए हुए हैं मैयर दर्शन करने के लिए जो कि जबलपुर से 160 किलोमीटर है. रूट तो आपने देख ही लिया होगा. और इस समय हम लोग जस्ट दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं रोप वे से बिकॉज
1063 सीढ़ियाँ हैं और उनसे ऊपर जाना फिर नीचे लौट के आना काफ़ी टाइम भी जाएगा, फिर थोड़ा सा एग्जर्शन भी होगा. सो वी आर अवॉइडिंग द स्टेयर्स एंड वी आर जस्ट होपिंग कि हम लोग स्टेयर्स की बजाय रोपवे से जाएंगे. तो रोपवे का टिकट जो है वो है 120 रुपीज़ ओनली और हमने बाइक जो है वो उधर पार्क की हुई है और अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, तो जब वो लेके आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये कि आप जूते चप्पल पहनकर रोपवे से भी नहीं जा सकते, तो आपको जूते चप्पल भी कहीं उतारने पड़ेंगे. तो हम लोग सोच रहे हैं कि जिससे हम लोग प्रसाद लेने वाले हैं उसी के पास हम लोग जूते चप्पल छोड़ देंगे. ठीक, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कितना ऊँचाई पर है. तो वो जो आपको टॉप दिख रहा है उस टॉप पर हम लोग जाने वाले हैं और मेरे साथ यहाँ पर. सो हियर वी हैव गाइस दिस अक्कू. अक्कू काफ़ी दिनों बाद आया है. अक्कू आज अपना पीक डे छोड़ के आया हुआ है यहाँ पर और सामने अंकित भी है, इश्तियाक भी है एंड वी हैव गॉट अ न्यू राइडर मिस्टर सूर्यकांत. सो कैसा लग रहा है सूर्य, पहली राइडिंग कैसी लग रही है? बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है टिल नाउ. ओके, आगे देखते हैं, मजा आने वाला है. सीरियसली राइडिंग इज ऑलवेज गुड अगर सेम मेंटेलिटी के लोग. यस, हियर आई एम केके. और ये देखिए केके सर भी आ गए. टिकट लाए आप? यस सर, टिकट भी आ गए हमारे पास. यस केके सर, मौका नहीं छोड़ते कैमरे पर. टिकट ले आए, वेरी गुड. और वो दो टिकट पहले बता दिया करो, हाथ टाइट करना पड़ता है. दो टिकट वो दे दिए उनको. ये लाइन दिखाओ पहले, ये लाइन कितनी लंबी जा सके केके सर. वो लाइन देखो आप, ये लाइन पूरी यहाँ से चालू होती है वहाँ पर खत्म होती है. फिर ये जगह है गोविंद चौरसिया प्रसाद भंडार जहाँ पर हम लोगों ने अपने शूज रख दिए और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रोपवे के लिए. तो बस अब निकलते हैं और एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल जगह को. मोबाइल से कुछ कर रहे हैं. देखो जो पांच आए थे वो पांडव थे, हम छह आए हैं तो हम लोग पांडव है. नाम दिया गया है चांडव ब्रदर्स. वो बंदे हमारे चले गए, वो बिछुड़ गए. उन्होंने 1000 सीढ़ियों को चुना है. अब देखते हैं कि माता रानी पहुंचेगा. माता रानी जो पहले पहुंचेगा उसको ट्रीट मिलेगी, उसको ट्रीट मिलेगी. जो पहले ऊपर पहुंचेगा उसको ट्रीट मिलेगी, ये ट्रीट मिलेगी. तो अब बस निकल रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी. तो बस अब चलो यहाँ से निकलते हैं. और हम लोग आभास को बहुत मिस कर रहे हैं. आभास, वी आर मिसिंग रियली. रियली आभास, अगर तेरी मजबूरी नहीं आई होती ना तो तेरे घर से उठा लाते बेटा. यानी आप घर पे है ही नहीं, मगर अब क्या कर सकते. चलो कोई नहीं, देयर टू रिजन नेक्स्ट टाइम. अरे यहीं से आ जाओ, यहीं से आ जाओ. हाँ वेरी गुड, शॉर्टकट. ये देखो कट्टप्पा भी आता है. कट्टप्पा आ रहा, कट्टप्पा सर ना बोल लेना. ये फंस गया. और ये देखिए हमारे कैमरे के लिए विशेष तौर से नेट जियो पे बुलाया गया है इस सांप को. अर्थ बॉम्ब बड़ा वाला अर्थ बॉम्ब. भाई मुंह छुपा रहा है वो. अबे उसको फेंक दे क्या? चिमरकली फेंक दे क्या? अबे लेकिन नीचे से आ जाएगा पता है. उछल जाएगा. अबे अंकल सांप आ रहा है, सांप. ये अरे ये रहा अंकल. इधर. अबे भगदड़ मचा दी. अबे अब वापस लौट के आ गया. अबे भाई कितना टाइम लगा अपन को? बस हम लोग को 1 घंटा लगा वहाँ से. 1 घंटा आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर लगा. 1.5 घंटा लग गया हम लोग को. 5 लाइनें क्रॉस करनी पड़ी, एक सांप का सामना करना पड़ा और बहुत मजा आया. अभी इसमें बैठ के जाएंगे और देखेंगे कैसा फुटेज आ रहा है. फाइनली वी आर अंडर रोपवे. मैं जा रहा हूँ रोपवे से ऊपर की तरफ और देखिए सामने ये नजारा. आ चुके हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं वो मंदिर है, शारदा माई का मंदिर है यहाँ पर.
योद्धा हुए थे, बहुत बड़े योद्धा हुए थे, आला उदल दोनों भाई थे, उन्होंने इस जगह को ढूंढा था और इस जगह पे माई के पास आते थे और उनके दर्शन करते थे, रोज पूजा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आला उदल में से उदल जो थे वो तो एक युद्ध में शहीद हो गए थे, लेकिन जो आला हैं वो आज भी जिंदा हैं और माँ की उन पर कृपा रही, इसलिए शायद उनको अमरता का वरदान है। लेकिन आज भी इस मंदिर में आला उदल आज भी यहाँ पर आते हैं अपनी पूजा करने के लिए। शूटिंग हो रही भैया, भैया है क्या, कौन सी फिल्म की शूटिंग, कौन सी पिक्चर की शूटिंग हो रही भैया, कौन सी पिक्चर भैया, हाय। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है जब भी आप कुछ अच्छा करने आते हैं। भैया क्या है, क्या है, खिलौना है, क्या है, क्या है, टीवी है, मोबाइल है भैया, समाचार पत्र से हो, कहाँ कौन सी प्रेस से हो, हाय, ये लो भैया, कितने का मिलता है भैया, कितना एवरेज देता है भैया, रोज आते हैं यहाँ पे, हो गया भैया, करते क्या हो गया लेता। अभी मैं आ गया हूँ उस जगह पर जहाँ से आला उदल का अखाड़ा और उनका तालाब जहाँ पर वो नाच दिखता है, तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। वो जो सामने आपको तालाब दिख रहा है वो तालाब है, जो एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है वो स्पॉट है उनका अखाड़ा है जहाँ पर वो कसरत किया करते थे, पहलवानी किया करते थे। हम लोग आए थे रोप वे से जिसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया और जो लोग सीढ़ियों से आए उन्हें कम टाइम लगा। तो मैं, अगर आप संडे को आ रहे हो ना तो सीढ़ियाँ प्रेफर करो, और अगर संडे को छोड़ के किसी भी दिन आ रहे हो, फेस्टिवल ओकेजन नहीं है, तो आप बेशक रोप वे से आओ, इट इज़ बेस्ट। अब निकलते हैं यहाँ से। अबे हम फिर, अबे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ओके ओके। सो फाइनली द ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड, और अभी लंच करने का प्रोग्राम है यहाँ से जाने के बाद। काफ़ी अच्छा लगा, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सीनिक। थोड़ा सा और जल्दी निकलना चाहिए था, सर्दी का टाइम है तो शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे निकलने में, इसीलिए। चलो एंजॉय करो व्यू को। तो अभी जस्ट लंच किया है और टाइम हो रहा है अभी 5:30 के आसपास, और ये जगह है राम भंडार। खाना तो अच्छा था लेकिन क्वालिटी वाइज तो इट वाज गुड, बट एक्चुअली क्या हुआ कि टाइम बहुत लगा दिया इसलिए हम लोग बहुत लेट हो गए, और अभी यहाँ से हमको सीधे निकलना है जबलपुर के लिए। तो राइड को यहीं करते हैं ख़त्म और वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं। सूर्ग में नहीं, हमारे सारे ब्लॉग्स अगर आपने देख लिए और नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए देखिए और थम्स अप दबाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस राइड को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ लास्ट फुटेज अगर होते हैं रास्ते में कुछ दिखते हैं तो मैं दिखाऊँगा आपको, बट ऑफिशियली दिस इज़ माई गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ राइड पर आएँ, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं अगली राइड पर। वी आर साइनिंग आउट। Yes, we are signing out. Till next ride. Till next ride. So stay tuned.